Hello guys, welcome or welcome back to my channel Shobani's Fashion वर्ल्ड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो से आने वाले फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग प्यारे प्यारे कुछ अफोर्डेबल बांधनी साड़ीज़ हॉल। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहता है तो आपको तो पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना ताकि आप हमेशा नोटिफाई होते रहो जब मैं न्यू वीडियो डालूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आप लोग एंजॉय करते हो, देन एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर देना एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। तो अभी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट साड़ी जो मैंने परचेस किया है वो ये है। दिस इज़ सो प्रिटी। जिस सेलर से मैंने ये साड़ी को लिया है उस सेलर के पास ये साड़ी अवेलेबल है 849 प्राइस में, जो कि अफोर्डेबल ही है। तो ये है इस साड़ी का लुक, बहुत प्यारा है। अगर साड़ी की मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ ना तो साड़ी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, शिफॉन जैसा है बट मटेरियल सिल्क का ही है, कंफर्टेबल भी है। टॉप, बॉटम एंड साइड में आपको यही वाला बॉर्डर मिलेगा। बॉर्डर का लुक बहुत ज़्यादा प्यारा है, सभी एम्ब्रॉयडरी का काम है, काफ़ी खिल के आ रहा है, एकदम न्यूली वेड जैसा फीलिंग है। अगर आप न्यूली वेड हो और अदरवाइज फेस्टिव सीजन और पूजा फंक्शन के लिए एक साड़ी ढूंढ रहे हो, ये साड़ी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर एग्जैक्ट कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ दिन तो एकदम चटाक वाला रेड नहीं है, थोड़ा सा आई सूदिंग है, बहुत प्यारा कलर है, सभी पहन सकते हैं, एक ऐसा कलर है। इसमें आपको जगह जगह पे ये वाला एम्ब्रॉयडरी दिखेगा डिफरेंट कलर शेड में एंड आगे जाके ये एम्ब्रॉयडरी सिर्फ बॉटम में ही है विद दिस बॉर्डर। साड़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ना, तो आप पूजा फंक्शन में पूरा दिन पहन रहे हो और पल्लू ले रहे हो देन तो भी कंफर्टेबल ही ये साड़ी रहेगा। सिर्फ 50 to 6 सेंटीमीटर में आपको इसमें कोई बॉर्डर नहीं मिलेगा, बाकी ओवरऑल साड़ी में बॉर्डर है एंड बांधनी प्रिंट तो मिडिल में है ही। ऑल इन ऑल प्यारा साड़ी है, कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, प्राइस को जस्टिफाई करता है एंड ऐसा नहीं कि बैक में जो वर्क है वो चुभ रहा है, ऐसा भी नहीं है। इसके साथ आपको कंट्रास्ट में ब्लाउज पीस मिलेगा जो कि ग्रीन कलर में है एंड इसमें एक अलग सा शाइन है। आई होप कि कैमरा कैच कर पा रहा है। वेलवेट जैसा फिनिश है, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें आपको 1 मीटर तक पीस मिल जाएगा, तो काफ़ी सारा है, आप आराम से बनवा पाओगे। इसमें कोई ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सिर्फ ये छोटा छोटा एम्ब्रॉयडरी पार्ट आपको दिखेगा जो कि आप स्लीव्स में डलवा सकते हो, अदरवाइज इसमें इतना कुछ एम्ब्रॉयडरी नहीं है। ये लेस भी लगा हुआ है, ब्लाउज पीस भी ठीक ठाक है। तो ऑल इन ऑल प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे पसंद आया, अच्छा है, कंफर्टेबल भी है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है आप ले सकते हो। और नेक्स्ट जो पीस मैंने परचेस किया है वो ये है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा, बिकॉज मतलब कलर मैंने इसे लिया है, इसमें आपको काफ़ी सारा कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि ग्रीन है, पिंक है, रेड भी है, मतलब ऑरेंजी शेड है, बट मैंने पिक किया है ये येलो कलर। इसका जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है 970, मतलब अंडर 1000 में ही है। तो ये है इस साड़ी का लुक। ये येलो कुछ ऐसा नहीं है कि जो आईज़ में बहुत ज़्यादा चुभता है, एकदम चटक मटक रणबीर सिंह टाइप ऑफ कलर ये है नहीं। थोड़ा सा आई सूदिंग वाला येलो है। जो लोग स्पेसिफिकली येलो पहनना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एंड ये मस्टर्ड काइंड ऑफ साइड है जिसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे पसंद आया। नॉट टू ब्लिंकी, नॉट टू शाइनी, थोड़ा सा मैट फिनिश है। इसका बॉर्डर का लुक भी बहुत प्यारा है। इसमें सारा आपको गोटा का काम मिलेगा जो कि टॉप, बॉटम, साइड तीनों पोर्शन में ही है। लेस भी मिल जाएगा, तो इसके साथ आप ग्रीन आराम से कंट्रास्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ द लेस डिटेलिंग एंड इसमें जो वर्क है वो भी काफ़ी फाइन, एकदम नीट एंड क्लीन लगा मुझे। द बेस्ट पार्ट इज साड़ी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। दिखने में लग रहा होगा कि आपको बहुत हेवी है, एकदम हेवी भी फीलिंग देगा बट एकदम ही हेवी नहीं है। मैंने इनफैक्ट ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था कि ये साड़ी इतना लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आंचल में तो आपको ये गोटा का काम मिल रहा है जो दिवाली के दिया जैसा कुछ ऐसा लुक है, बहुत प्यारा है, आप दिवाली में भी पहन सकते हो, अदर कलर्स भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ओवरऑल साड़ी में ये जो लुक है ये आपको सिर्फ बॉटम पोर्शन में दिखेगा। साड़ी सिल्क में ही है, मिडिल में पूरे ही साड़ी में आपको डिफरेंट कलर में बांधनी प्रिंट देखने को मिलेगा। एकदम शिफॉन वाला इसका फिनिशिंग है, लाइट वेट है बट ये जॉर्जेट में है। इसमें आपको काफ़ी सारा पोर्शन मिलेगा जिसमें कोई लेस नहीं है, 2 सेंटीमीटर के करीब होगा। इसके साथ भी आपको कंट्रास्ट में ग्रीन ब्लाउज पीस मिलेगा। टफटा सिल्क में है, क्वालिटी इज़ नॉट टू गुड, बहुत ख़राब भी नहीं है, ओकेश टाइप है। तो ये भी 1 मीटर तक है, तो आराम से ब्लाउज बन जाएगा आई गेस एंड इसमें आपको ये लेस भी मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, हम कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसकी वजह से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। लुक भी काफ़ी प्यारा है, इनफैक्ट हल्दी फंक्शन में भी आप पहन सकते हो। और नेक्स्ट जो मैंने ट्राई किया है वो ये है। आई एम सॉरी दिस इज़ नॉट अ बांधनी साड़ी बट आई थिंक किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये पिक्चर भेजा था। ये एक आसामी साड़ी है तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया इसलिए मैंने ये ट्राई किया। और आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विद दिस साड़ी बिकॉज मुझे पता ही नहीं कि ये पहनते कैसे हैं एंड कैसा इसका डिज़ाइन रहता है, कैसे जज करूँ मुझे कुछ नहीं पता। बट साड़ी पसंद आया था, इट लुक्ड रियली प्रॉमिसिंग इसलिए मैंने इसे लिया था। बट मैं इस साड़ी के साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पाई। ऐसे तैसे मैंने पहन लिया, पहनने के बाद मुझे ये साड़ी बहुत प्यारा लग रहा था। बट आई थिंक अगर आप अपने स्टाइल में पहनोगे देन ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा और इसे कैसे जज करते हैं वो भी मुझे नहीं पता, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। इस साड़ी का जो प्राइस है वो 599 है। इस साड़ी का कलर इज़ टू प्रिटी, डार्क रानी और मजेंडा कलर आप बोल सकते हो। कलर बहुत खूबसूरत है, पर्पल के साथ मिक्सअप है। तो साड़ी आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होता है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो यहाँ पे बहुत प्यारा से एम्ब्रॉयड्री है, कुछ जामदानी काइंड ऑफ वाइब्स है इसका। बट ये एक आसामी साड़ी है तो डिफरेंट तो होगा ही। इसमें आपको जगह जगह पे ये बूटियों वाला प्रिंट मिलेगा, बहुत प्यारा है। ये वाला कॉर्नर जो मुझे नॉर्मली चुभता है सब साड़ियों में, इस साड़ी में उतना ज़्यादा नहीं चुभा। इट्स काइंड ऑफ कम्फर्टेबल ही आप बोल सकते हो। इसमें जगह जगह आपको ये वाला पूरा ही प्रिंट दिखेगा एंड मिडिल में आता है तो पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा हेवी बन जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा जगह एकदम खाली है। एंड में आता है तब को ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो इसमें मुझे पता नहीं चला कि ऑनेस्टली कैसे पहनते हैं यार ये। मिडिल में क्यों इसमें थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस है, थोड़ा सा ऐसा क्यों है डिज़ाइन, मुझे पता नहीं चला। बट बेस्ड ऑन द मटेरियल क्वालिटी एंड पहनने के बाद कैसा लग रहा है ये मैं जज कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, प्यारा है काफ़ी सारी एंड नॉट टू कम्फर्टेबल बट ऐसा नहीं कि एकदम अनकम्फर्टेबल, ऐसा भी नहीं है। आई गेस दिस इज़ द ब्लाउज़ पीस। ब्लाउज़ पीस के लिए आई थिंक 1 मीटर तक कपड़ा है, सफिशिएंट सा है, आप आराम से बनवा सकते हो। बनारसी सिल्क मटेरियल में है। यहाँ पे ये बॉर्डर दिया हुआ है जो आप लगाओगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो एज अ बनारसी साड़ी मुझे ये पसंद आया, काफ़ी खूबसूरत है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये पसंद आया। और नेक्स्ट मैंने बाय किया था ये वाला पीस। दिस इज़ कॉल्ड रजवाड़ी बांधनी साड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे काफ़ी मन था कि ये साड़ी मैं ट्राई करूँ। तो इस सेलर से मैंने ऑर्डर किया था और ये सेलर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आई डोंट नो वाई, आउट ऑफ स्टॉक नहीं था, स्टॉक में ही था बट फिर भी क्यों नहीं दिया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। ये साड़ी का जो प्राइस है वो है 579। तो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लेना चाहते हो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस सेलर क्योंकि मेरे पास ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। आई थिंक अगर आप ऑर्डर करोगे आपका भी टाइम वेस्ट होगा बेकार में ही, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं देने वाले। और लास्ट पीस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है। ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो प्राइस है वो है 706 एंड ये एक्चुअली एक लहरिया साड़ी है। तो ऑर्डर करते वक्त मुझे ध्यान ही नहीं गया है कि मैं तो बांधनी हॉल कर रही थी, मैं लहरिया भी ऑर्डर कर दिया मैंने, तो काइंड ऑफ मिक्सअप हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये साड़ी भी सेम मटेरियल में है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल एक पीस है। एकदम शिफॉन जैसा इसका फिनिशिंग है, बहुत आसानी से आप इसे पहन लोगे। साड़ी टॉप में, बॉटम में एंड साइड में भी आपको यही वाला एम्ब्रॉयड्री मिलेगा। एकदम फाइन एम्ब्रॉयड्री है, एम्ब्रॉयड्री क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्यूट सा लटकन डिटेलिंग मिलेगा। ग्रीन के साथ ये बहुत खूबसूरत लगेगा और आप पिंक के साथ भी पहन सकते हो जो मैंने भी पहना। आंचल में पूरा ही भरा हुआ है ये वाला एम्ब्रॉयड्री से, छोटा छोटा वाला एम्ब्रॉयड्री है। बाकी ओवरऑल साड़ी में ये एम्ब्रॉयड्री आपको बॉटम पोर्शन में ही दिखेगा। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो वैसा ही सेम टू सेम कलर है। अगर आप ये कुर्ती देख रहे हो तो इसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। इस साड़ी में आपको 50 to 60 सेंटीमीटर तक प्लेन मिलेगा जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है और इसके साथ आपको 1 मीटर तक ब्लाउज पीस का कपड़ा मिलेगा। टफ्टर सिल्क में है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, एकदम ख़राब नहीं है, आप बनवा सकते हो इफ़ यू वांट। और अदरवाइज़ आप किसी भी कलर के ब्लाउज के साथ आराम से इसे पहन पाओगे। गोल्डन चल जाएगा, रेड, पिंक, ग्रीन सभी पहन पाओगे आप। और इसमें आपको ये वाला एम्ब्रॉयड्री दिखेगा जो कि बहुत प्यारा है एंड ये आई थिंक स्लीव्स में ही डलेगा। अदरवाइज ये इतना ज़्यादा है नहीं कि आप फ्रंट में और बैक में लगा पाऊँ। ऑल इन ऑल प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने एंजॉय किया है, देन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आगे जाके मैं बहुत सारा कंटेंट शेयर करूँगी। आपको किस टाइप का वीडियो देखना है डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंट गाइज, बी कॉन्फिडेंट, प्लीज़ बी सेफ, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।